अगर आप मुरादाबाद शहर में दहली रोड के पास स्थित बैंक कॉलोनी में कैसे मकान की तलाश में, जो कि 100 गज में बना हुआ हो, 4 बड़े कमरे हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो और डबल रास्ते का हो, रेडी टू मूव हो, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस मकान को और एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे, ये हमारा है डबल रास्ते का मकान होने वाला है। इस हिसाब से देखेंगे, इस डायरेक्शन में ये आपका नॉर्थ फेसिंग होने वाला है और मकान का जो ये साइड है, मतलब राइट साइड, इस तरफ देखेंगे तो आपके वेस्ट फेसिंग होने वाला है। डबल रास्ते का ये मकान है और ये हम खड़े हैं पार्किंग एरिया में। सामने ये गेट है हमारा, यहाँ से मेन रोड है आपकी, लगभग 17 से 18 फीट की रोड होने वाली है। इस रोड से सीधे आपकी जो फोर व्हीलर है यहाँ पर आप पार्क कर सकते हो। डबल रास्ते का मकान होने की वजह से जो कमरे हैं इसके सारे वेंटिलेशन के सब बहुत अच्छे हैं। तो ये पार्किंग एरिया के बाद हम जब इधर आते हैं तो देखें, ये हमारा जीना जा रहा है फर्स्ट फ्लोर को, जब हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। और इसके राइट साइड में इधर आपका एक गेस्ट रूम है जो कि डबल रास्ते का है। सामने एक दरवाजा आपका बाहर का एग्जिस्ट कर रहा है। और इधर हम आते हैं, ये आपका लॉबी एरिया है, ओपन मॉड्यूलर किचन है और साथ में आपको 2 कमरे नीचे और मिलने वाले हैं इसके अलावा। तो अगर हम इस पार्किंग एरिया की बात करेंगे तो देखेंगे इसमें मकान का जो स्टैंडर्ड है, जो आपकी जो टाइल्स है लगभग 4.5 फीट तक पूरे मकान में टाइल्स लगी हुई है। और ऊपर देखते हम सीलिंग तो देखेंगे डिजाइनिंग पीओपी वर्क को रखा है और LED पैनल इसमें लगा हुआ है साथ साथ। और इसके बाद जब हम इधर आते हैं तो ये है हमारा रूम नंबर 1, जो कि आप इसे गेस्ट रूम की तरह यूज करने वाले हैं। पूरे मकान का यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का स्टैंडर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फ्लोर पे पूरा स्टोन वर्क हो रखा है, वॉल्स पे जो पेंट है बिल्कुल अपडेटेड है। इसके अलावा जो सीलिंग है आपकी डिजाइनिंग पीओपी वर्क के साथ यहाँ पे सीलिंग मिलने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था डबल रास्ते का मकान है तो वेंटिलेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। ये आपका नॉर्थ फेसिंग है तो इधर आपको देखें खिड़की लगी हुई है। इसके अलावा एक डोर है जो कि आपका बाहर खुल रहा है। और अब हम चले हैं लॉबी एरिया में, तो इसके बाद हम आते हैं। ये आपका है लॉबी एरिया। लॉबी एरिया से लेफ्ट साइड में हम आपको दिखाएंगे, इधर एक ओपन मॉड्यूलर किचन होने वाला है लॉबी एरिया से कनेक्ट। और इस डायरेक्शन में आपको एक वॉशरूम मिलने वाला है, कंबाइंड वॉशरूम। इसके अलावा आपको 2 बड़े कमरे मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम किचन से। किचन में देखेंगे ये आपका एक ओपन मॉड्यूलर किचन है, कैबिनेट्स वगैरह सब फिटेड है यहाँ पे। इसके अलावा आपका स्टोरेज के लिए हम देखेंगे तो स्टोरेज के लिए ये जगह दी गई है इधर। और ये आपका प्लेटफॉर्म है। और अच्छी चीज ये है कि ये डबल रास्ते का मकान है तो आपका जो वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि रास्ते की ओर आपका एक किचन का आपका विंडो खुल रहा है। तो ये हो गया हमारा किचन। इसके बाद ये हमारा लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया से जब हम अंदर को आते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक कमरा मिलने वाला है, सेम काफी स्पेसिस का कमरा है और सेम वही चीज़ है, वेंटिलेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। इधर एक विंडो और एक आपको एक्स्ट्रा डोर मिल रहा है जो कि आपको बाहर को खोल रहा है। इसके अलावा आपका डिजाइनिंग पीओपी वर्क के साथ ये सीलिंग मिलने वाली है आपको। और जैसे कि हमने अब 2 कमरे देख लिए, अब हम देखते हैं रूम नंबर 3 ग्राउंड फ्लोर पे। ये हो गया आपका रूम नंबर 3। सेम स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन किए गए हैं, फ्लोर पे आपका स्टोन वर्क है और जो सीलिंग आपके डिजाइनिंग पीओपी वर्क हो रखा है। और जो कलर पेंट है वो कॉम्बाइंड है, बहुत अपडेटेड है, बहुत अच्छा लगने वाला है ये। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे आपको 3 कमरे मिल गए हैं। इसके अलावा लॉबी एरिया से कनेक्ट हम देखेंगे तो ये आपका एक वॉशरूम है, काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी जगह दी गई है। टाइल्स वर्क की हम बात करेंगे तो आपको लगभग 7.5-8 फीट तक यहाँ पे टाइल्स वर्क हो रखा है, दैट मीन्स आपको सीलन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो शीट है आप अपनी चॉइस से चाहें तो इंडियन और चाहें तो वेस्टर्न, एज पर योर चॉइस आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको लगवा के दी जाएगी। और शावर भी है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, शावर के कनेक्शन दिए हुए टैप के।
आपकी जरूरत के हिसाब से, आपके पसंद के हिसाब से यहाँ पे ये सब चीजें अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो ये ग्राउंड फ्लोर के बाद अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये हमारा जीना हो गया। यहाँ पे जो ये स्पेस है ये भी काफी स्पेस काफी ज्यादा दिया गया है यहाँ पे ममटी एरिया, और इधर से हम देखेंगे तो सामने काफी पूरा बैंक कॉलोनी एक्सप्लोर होता है। इसके अलावा जब हम ऊपर आते हैं ये फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए देखें तो आयरन गेट यूज किया गया है, काफी मजबूत है। इसके अलावा जब हम अंदर आते हैं तो इधर आपको एक वॉशरूम मिल रहा है, अभी हम बाद में देखेंगे, पहले चलते हैं कमरे के अंदर। तो ये एक आपको आपका फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा दिया गया है, तो देखेंगे आपका पूरा टाइल्स वर्क हो रखा है यहाँ पे फ्लोर में, पेंट अपडेटेड है, डिजाइनिंग पीओपी वर्क है। इसके अलावा जब हम आगे आते हैं ये है आपका बालकनी एरिया, तो ये भी काफी स्पेशियस है, यहाँ पे भी आप आराम से बैठ सकते हैं और यहाँ से आप नजारा ले सकते हैं लाइन कॉलोनी के चारों ओर का। इसके अलावा अगर हम रोड की बात करें तो सामने देखिए आपको अप्रोक्स 17 फीट की रोड मिल रही है, 17 से 18 फीट की है लगभग। तो पार्किंग की आपको यहाँ कोई समस्या नहीं आने वाली है, घर के बाहर भी आप कार पार्क कर सकते हैं और घर के अंदर भी, जैसे मैंने आपको दिखाया था पार्किंग एरिया सफिशियंट होने वाला है। और इस कमरे के अलावा जो फर्स्ट फ्लोर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा टॉयलेट दिया गया है, कंबाइंड वॉशरूम है, इंडियन शीट लगी हुई है यहाँ पे। इसके अलावा जो स्पेस है काफी ज्यादा दिया गया है, नॉर्मली साइज कम रहता है पर यहाँ वॉशरूम का काफी बड़ा साइज दिया गया है। इसके अलावा इस रूम और इस वॉशरूम के अलावा ये जो एरिया आपका ओपन एरिया होने वाला है, ये चाहे इसको आप फ्यूचर में अपनी जरूरत के हिसाब से एड ऑन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस पूरे मकान में आपको चार कमरे मिल रहे हैं, तीन ग्राउंड फ्लोर पर और एक आपको फर्स्ट फ्लोर पर। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा सेल और प्रमोट की जाने वाली प्रॉपर्टी की जानकारी आपको मिल जाए और आपके हाथ से कोई अच्छी डील ना निकले, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेनिफिट आपको ये होगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके हाथ से कोई अच्छी डील ना निकलेगी। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो मकान हो या कोई प्लॉट हो, उसमें बेचने में भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी की डिटेल है उसकी गूगल लोकेशन, बाकी अदर जो नक्शा वगैरह है जो भी, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9877-6285-0 पे आप भेज दीजिए और विद इन 7 to 10 days में हम उस प्रॉपर्टी को कवर कर लेंगे। आपकी प्रॉपर्टी के सेल होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारा जो प्लस पॉइंट है, आप यूट्यूब सर्च बार में टाइप करते हैं प्रॉपर्टी इन मुरादाबाद तो हमारे ये वीडियो रैंक करते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी के सेल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अब इस मकान की कॉस्ट बताने से पहले मैं इस पूरी प्रॉपर्टी को समराइज कर दूँ। अगर इसके हम लोकेशन की बात करेंगे तो साई हॉस्पिटल से जब वो आगे आते हैं, सम्राट अशृंगर के आगे आते हैं तो A3 होते हुए जो बैंक कॉलोनी को रास्ता जा रहा है उससे मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो 5 to 7 minutes में आप A3 पे पहुंच जाओगे। गौतम बुद्धा पार्क वाली मेन रोड है उस पर आप कनेक्टेड है और लोकेशन है बैंक कॉलोनी। अगर इस मकान की डिटेल की बात करेंगे तो 100 गज में बना हुआ 1.5 मंजिला ये मकान है, डबल रास्ते का ये मकान होने वाला है। ग्राउंड फ्लोर की हम बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको 3 कमरे, एक लॉबी और इसके अलावा ओपन मॉडुलर किचन और वॉशरूम मिल रहा है। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक बड़ा सा कमरा जहाँ पे मैं आपको इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसके अलावा एक वॉशरूम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये तो हो गई समरी। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो इस मकान की जो कॉस्ट है वह 45 लाख, यानी ये जो मकान है आपको 45 लाख में पड़ने वाला है और ऑन टेबल थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है, जो भी गुंजाइश होगी हम आपको बेस्ट प्राइस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्या रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन में नई प्रॉपर्टी से, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।